भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार की नाकामी से रामगंज में कोरोना के मामले बढ़े हैं। हमारे संवाददाता धर्मेश भारती से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में नियमों की पालना नहीं की है, उससे जयपुर परकोटे से बाहर भी संक्रमण फैल गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने बोला नहीं तो बहुत जबरदस्त मुझे अपराध में तो वो लोग भी करते थे और अभी भी ये तो बेचारे, लेकिन यहाँ एंगल इनका बिल्कुल 3 दिन पहले बता रहा था वो, बोले भाई साहब कोई रामगंज में। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद प्रदेश भाजपा लगातार जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उसके अलावा प्रदेश भाजपा ने कई नवाचार किए हैं, उन सभी नवाचारों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने कई नवाचार किए, खास करके लोगों से जुड़ने के लिए तकनीक का उपयोग किया है, क्या वो नवाचार है? तुरंत तत्काल जो सबसे पहला काम किया कि हेल्पलाइन जो आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टी में संभव नहीं होती है, लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा ऐसे ही ग्रीवेंसेज आई और उनका कैटेगरी के लिए हमने निस्तारण किया। दूसरा एक कंट्रोल रूम और उसके साथ में पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि लॉकडाउन के बाद धारणा ये थी कि लोग घर में रहेंगे करेंगे क्या, तो एक अपनी अपने काम करने की हॉबी की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन पार्टी का वर्कर क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसका होता है तो वो इंगेज रहे और उसकी मेंटल कैपेसिटी का हम ज़्यादा उपयोग करें, तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की ऑडियो ब्रिज की, जिसमें हम लोग बूथ स्तर तक हम लोग कनेक्ट हुए, मंडल के लोगों को हमने सक्रिय रखा, जितने जनप्रतिनिधि और सांसद थे उनको बराबर हम लोगों ने कनेक्ट रखा। आज मैं 50,000 से लोगों से भी ज़्यादा बात कर चुका हूँ जिनके व्यूज़ मेरे पास आए, उसके आधार पर हम लोगों ने उन चीज़ें आगे एग्जीक्यूट करी हैं। रामगंज को लेकर अभी भी स्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं है, क्या कहना चाहिए? मुझे इस बात पर ऐतराज है कि मुख्यमंत्री जी भीलवाड़ा मॉडल की क्रेडिट लेके और अपनी इमेज बिल्डिंग का काम बेशक कर रहे हैं, कभी किसी अखबार में छपते हैं, कहीं भाषण देते हैं, लेकिन यदि भीलवाड़ा का मॉडल सफल होता तो रामगंज में क्यों नहीं हुआ, ये सरकार पर सवाल खड़े करता है। और इसलिए जब तबलीगी का मूवमेंट हुआ सरकार को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको अपीजमेंट के नज़रिए से देखा, सरकार ने वोट बैंक की निगाह से देखा, ये सियासत का राजनीति का समय नहीं था। सरकार यदि विजिलेंट होती, सरकार की मशीनरी विजिलेंट होती, सरकार का मंत्रालय विजिलेंट होता तो शायद रामगंज में इस तरीके से संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन ये पूरे तौर पर सरकार की लापरवाही का नमूना है। राजस्थान में जितने लोगों का जहाँ जहाँ ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन टूटा होगा तभी व्यक्ति का मूवमेंट हुआ है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। उनका साफ मानना है कि रामगंज के अंदर राज्य सरकार पूरी तरह से COVID-19 को कंटेन करने में पूरी तरीके से विफल रही है। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।